दोस्तों नमस्कार, मैं अंकेश शर्मा आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम भोलेनाथ शिव भगवान का चित्र बनाएंगे। 1 0 ये हो गया 10, 0 1 ये हो गया उल्टा 10। सबसे पहले ये कर लेना है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाऊंगा, सिखाऊंगा, जिसमें छोटे बच्चे, बड़े, जो भी बिगिनर है जिनको ड्राइंग नहीं आती है वो बना सकते हैं। जो भी परफेक्ट है ड्राइंग में वो मेरा वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हैं। और वीडियो लंबा होगा पर आपको बिल्कुल तरीके से सब कुछ सिखाऊंगा मैं, तो जो अच्छे से वीडियो देख सके, पूरा वीडियो देख सके, वही वीडियो देखे, बाकी वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हैं। हमने किया 1 0 0 1, आप इसको 1001 भी बोल सकते हैं, और 10 एंड ये उल्टा 10 ये भी बोल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए जो दो जीरो है इनसे तो हम आंखें बनाएंगे, और ये जो लाइन है इसको हम ऐसे घुमा के दूसरी लाइन से मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा चेहरे का आकार। सबसे पहले आप आंख बनाओगे। देखो ये जो दो जीरो है ये छोटी आकार के बनाए हैं मैंने, क्यों? क्योंकि इनसे हम आई बॉल बनाएंगे, आँख का जो हीरा होता है वो बनाएंगे, और इसके ऊपर मछली जैसी आकृति कर देंगे, तो ये आँख बन जाएगी। देखो कैसे, ये मैंने किया फर्स्ट नंबर की आँख, और फिर ये मैंने किया सेकंड नंबर वाली आँख, ये सेम आकार की दोनों हमने आँखें बनाई। अब जो आई बॉल है इसको बीच में से तो हम खाली छोड़ देंगे इतना तो, और बाकी को कर देंगे ब्लैक, क्योंकि ये आँख में फ्लैश पड़ रहा है, तो इस टाइप से ये आंखें बन गई सबसे पहले। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे आईब्रो। तो देखिए आईब्रो आंख के लेवल पे ही थोड़ी सी जगह छोड़ के और ऊंचाई पे ऐसे बनाई जाती है। फिर आईब्रो जो होती है जहां हम तिलक लगाते हैं वहां से मोटी होती है, और लास्ट का एंगल पतला होता है, तो ऐसे हमें आईब्रो को बनाना है। ये देखो ये हमने आईब्रो बना दी। अब नाक बनाना है तो हमें मेजर करना है, जैसे ये तिलक वाला पार्ट है तो इससे लगभग 2 या 2.5 इंच छोड़ के यहाँ पे डॉट लगाओ, ताकि हमारा नाक टेढ़ा मेढ़ा ना जाए। ये हमने डॉट लगाया और इससे अब हम मेजर करेंगे। मैंने ये आकार बनाया, ऐसे किया, ऐसे किया, और फिर दोनों तरफ से ऐसे कवर कर दिया। नाक बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ये सबसे सिंपल वाला मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बढ़ा के यहाँ मिला देंगे, इसको बढ़ा के यहाँ मिला देंगे, तो ये बन गया नाक। उसके बाद में जो होंठ बनाएंगे तो इस नाक से हम लगभग 1/2 इंच जगह छोड़ेंगे और यहाँ डॉट लगाएंगे। ये डॉट लगाएंगे और इधर इतना और ये दूसरी तरफ इतना। हमारे होंठ होते हैं धनुराकार, धनुष जैसे होठ होते हैं, तो ये ऊपर वाले होठ की डिज़ाइन, फिर बीच वाली लाइन भी हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे, और नीचे वाली तो एक राउंड शेप में होती है, तो ऐसे ये नीचे वाले लिप्स कर देंगे, तो ये बन गए होठ। थोड़ा इसको कम भी कर सकते थे पर ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे हम चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह के लिए चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर आएगा ठुड्डी, तो अब इस लाइन को बढ़ा के यहाँ मिला देंगे, और इस लाइन को भी हम ऐसे बढ़ा के यहाँ मिला देंगे, तो ये बन गया फेस वाला आकार। ये इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं, ये लो ये बन गया फेस का आकार। अब भोलेनाथ का जो फोरहेड होता है ललाट, वो बनाएंगे। देखो बीच में पॉइंट लगा के, और स्मॉल जो एम होता है वैसा आकार बनाएंगे। देखो ये मैंने स्मॉल एम बनाया है, ये स्मॉल एम बन गया। एक कैपिटल एम होता है, एक स्मॉल एम होता है। इतना करने के बाद अब बनाना है कान, तो कान होते हैं आई लेवल से नोज लेवल तक, इधर भी आँखों के बराबर से नाक के बराबर तक निशान लगाएंगे, और कान की ड्राइंग करेंगे ऐसे, ज़्यादा लंबे नहीं करने हैं, नॉर्मल साइज। फिर ये दूसरा कान ऐसे, फिर कान के अंदर जो डिज़ाइन होती है, होल होते हैं सुनने के लिए, वो सब हमने बनाया। साथ के साथ
शिव भगवान कुंडल पहनते हैं, तो कुंडल भी कान में डाल देंगे ऐसे। ये फोरहेड हो गया, कान हो गए, कुंडल हो गया, चेहरा हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे इनका जटा बनाएंगे। उससे पहले माला डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कम ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आपका फेस बड़ा बना है तो आप ज़्यादा माला भी कर सकते हो, छोटा बना है कम भी कर सकते हो। ये बन गई जटा, और ये आ गए बाल। देखो दोनों तरफ कोशिश करना है सेम बने। इतना करने के बाद गला बनाएंगे। देखो गला अगर पास से बनाएंगे तो पतला हो जाएगा, ज़्यादा दूर से बनाएंगे तो मोटा हो जाएगा। जहाँ कुंडल का एंड हो थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और ये ऐसे गला बना देना है। और उसके बाद ये शोल्डर बना देने ऐसे, ये शोल्डर बन गए। अब जो बाल है उनको क्या करेंगे, हम बढ़ा के कंधे तक ले जाएंगे ऐसे। इतना हो गया। अब शिव भगवान के गले में रहता है नाग, तो नाग की ड्राइंग करने के लिए मैंने की एक लाइन, ये दो लाइन, तो ये एक लपेटा हो गया गले में, फिर एक लाइन, और ये दूसरी लाइन, ये दो लपेटे हो गए। अब उनकी पूंछ बना देंगे, तो तीसरे लपेटे में ऐसे आके ये बन गई पूंछ। अब यहाँ से इसको थोड़ा मोटा करेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ से गले से घूम रहा है तो ऐसे मोटा दिखेगा नाग। ऐसे ही इधर भी उभरा हुआ बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 1 एंड 2, ये हो गया। अब उसकी फन निकालना है, तो हम यहाँ से नाग की फन को ऐसे करके ये सिंपल तरीके से मिला देंगे। और नीचे जो सफ़ेद कलर की डिज़ाइन होती है नाक के, वो कुछ इस प्रकार की होती है, आपने ज़रूर देखा होगा। लाइव नहीं देखा तो कभी फ़ोटो तो ज़रूर ही देखी होगी, इस टाइप की डिज़ाइन होती है। यहाँ बना देंगे आँख, यहाँ बना देंगे नाक, ये उनकी जीभ। अब नाक पे आप डिज़ाइन भी डाल सकते हो, जैसे ब्लैक कलर के सर्कल पॉइंट लगाना चाहो, ऐसे ब्लैक कलर के डॉट डालना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पूरे नाग को ब्लैक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इतना हो गया। अब शिव भगवान का क्या रह गया, एक तो रह गया तीसरी आँख और उनका चंदन का तिलक। तो तीसरी आँख ऐसे खड़ी आँख बना देंगे ऐसे, ये बन गई तीसरी आँख, और ये चंदन का तिलक दोनों तरफ सेम साइज का ऐसे, ये बन गया चंदन का तिलक। और रह गया उनका सर पे जो चंद्रमा रहता है मस्तक पे, वो ऐसा और ऐसा। आप डी की हेल्प से भी चंद्रमा बना सकते हो। उनकी जटा से गंगा बहती है, तो इस टाइप से गंगा निकलती हुई बना देंगे। और रह गया त्रिशूल, तो त्रिशूल के लिए क्या करेंगे, 1 2, सबसे पहले दो लाइन की हमने, फिर सबसे पहले भाला बनाना पड़ेगा। त्रिशूल बनाने से पहले भाला की ड्राइंग, भाला जानते हो ना, जो महाराणा प्रताप रखते हैं वो भाला है। अब इसके दोनों तरफ त्रिशूल वाला पार्ट आ जाएगा, ये 1 और ये 2, ये बन गया शिव भगवान का त्रिशूल। इसको पीछे की साइड रखा है हमने, पीछे की साइड लगा हुआ है, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा इसका। ये जितना हमें दिख रहा है उस हिसाब से ये डमरू भी बना देते हैं उनका, ये डमरू की डिजाइन हो जाएगी ऐसे। ये डमरू का बजाने वाला पार्ट, यहाँ से डोरी आएगी ऐसे, एक डोरी नीचे से, वो नहीं दिखेगी। अब ये ड्राइंग हो गई, अब क्या करना होगा, हेयर को ब्लैक कर देंगे, बॉडी में स्काई ब्लू कर देंगे, नाग में डार्क ब्राउन या ब्लैक कर देंगे, लिप्स रेड कर देंगे, माला जो है इनकी रुद्राक्ष की वो ब्राउन कर देंगे, त्रिशूल को येलो कर देंगे, चंद्रमा को वाइट छोड़ देंगे या स्काई लाइट ब्लू कर देंगे, ऐसे आपको करना है। और ये शिव भगवान का चित्र कंप्लीट। तो वीडियो अगर पसंद आए हो लाइक करके जाएं। इसी प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें बिल्कुल स्लो 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 बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, जय भोलेनाथ।